हेलो दोस्तों, एपीके इलेक्ट्रिकल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो वायरमैन सेकेंड ईयर फोर्थ सेमेस्टर के लिए थ्योरी की मैराथन क्लास है। इसमें वायरमैन थ्योरी के लिए निम्मी पैटर्न के 250 से अधिक क्वेश्चन शामिल हैं, सो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन। ट्रांसफॉर्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? राइट आंसर बी, अन्योन्य प्रेरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, ताजा सिलिका जेल का रंग कौन सा है? राइट आंसर बी, नीला। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसफॉर्मर में कौन सा भाग सुरक्षात्मक उपकरण के रूप में कार्य करता है? राइट आंसर डी, वकोल्स रिले। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा भाग ट्रांसफॉर्मर कोर और बाइंडिंग की गर्मी को कम करता है? राइट आंसर ए, ट्रांसफॉर्मर ऑयल। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसफॉर्मर का क्या नाम है? राइट आंसर सी, पॉलीफेज ट्रांसफॉर्मर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से ट्रांसफॉर्मर में सेकेंडरी वोल्टेज प्राइमरी वोल्टेज के समान होता है? राइट आंसर सी, आइसोलेशन ट्रांसफॉर्मर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसफॉर्मर का क्या नाम है? राइट आंसर डी, एयर कोर ट्रांसफॉर्मर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसफॉर्मर का ईएमएफ समीकरण क्या है? राइट आंसर डी, ई बराबर 4.44 एफ एन फाई एम। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूत्र 4.44 एफ एन फाई एम में फाई एम अक्षर से किसे निरूपित किया जाता है? राइट आंसर ए, मैक्सिमम फ्लक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसफॉर्मर का नाम क्या है यदि परिवर्तन अनुपात 1 से अधिक है? राइट आंसर सी, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसफॉर्मेशन अनुपात कौन सा है? राइट आंसर सी, E2/E1 = N2/N1 = I1/I2 = K। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसफॉर्मर के भाग का क्या नाम है? राइट आंसर सी, मैनुअल टेप चेंजर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसफॉर्मर का कॉपर लॉस किस कारक पर निर्भर करता है? राइट आंसर सी, स्क्वायर ऑफ करंट, धारा का वर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसकी उच्च दक्षता है? राइट आंसर ए, ट्रांसफॉर्मर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसफॉर्मर की दक्षता की गणना के लिए किस सूत्र का प्रयोग किया जाता है? राइट आंसर डी, आउटपुट पावर अपॉन आउटपुट पावर प्लस लॉसेस इनटू 100। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिशत वोल्टेज नियमन का सूत्र कौन सा है? राइट आंसर बी, वी नो लोड माइनस बी लोड अपॉन बी लोड इनटू 100। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसफॉर्मर की वुशिंग के लिए किस सामग्री का प्रयोग किया जाता है? राइट आंसर बी, पर्सिलोन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑटो ट्रांसफॉर्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? राइट आंसर सी, सेल्फ इंडक्शन, स्व प्रेरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर के टेस्ट का क्या नाम है? राइट आंसर सी, पोलैरिटी टेस्ट, ध्रुवीयता परीक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसफॉर्मर का कनेक्शन नाम क्या है? राइट आंसर बी, स्टार डेल्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कनेक्शन का नाम क्या है? राइट आंसर सी, स्कॉट कनेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसफॉर्मर तेल का कौन सा परीक्षण सचित्र है? राइट आंसर सी, क्रेकल परीक्षण।
नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंथेटिक तरल ट्रांसफॉर्मर तेल का उपयोग कहाँ किया जाता है? राइट आंसर सी, रिफाइनरी और खतरनाक स्थान पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसफॉर्मर में कौन सा भाग चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न करता है? राइट आंसर डी, कोर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसफॉर्मर में ब्रीदर का क्या कार्य होता है? राइट आंसर सी, नमी प्रवेश को रोकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसफॉर्मर के कोर को लेमिनेट क्यों किया जाता है? राइट आंसर बी, एडी करंट हानि को कम करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्यम और उच्च वोल्टेज ट्रांसफॉर्मर के लिए सेल टाइप कोर का उपयोग क्यों किया जाता है? राइट आंसर ए, फ्लक्स के रिसाव से बचने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑटोमोबाइल में किस प्रकार के ट्रांसफॉर्मर का प्रयोग किया जाता है? राइट आंसर बी, इग्निशन ट्रांसफॉर्मर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोर के आकार के आधार पर किस ट्रांसफॉर्मर को वर्गीकृत किया जाता है? राइट आंसर बी, सेल प्रकार ट्रांसफॉर्मर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिंग टाइप ट्रांसफॉर्मर का अनुप्रयोग कौन सा है? राइट आंसर बी, उच्च करंट मापना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसफॉर्मर की क्षमता का मूल्यांकन कैसे किया जाता है? राइट आंसर बी, केवीए, किलो वोल्ट एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनरेटिंग स्टेशन से प्राप्त उपभोक्ता को वोल्टेज ड्रॉप की भरपाई के लिए ट्रांसफॉर्मर के किस भाग का उपयोग किया जाता है? राइट आंसर डी, टेप चेंजर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसफॉर्मर की दक्षता किस स्थिति में अधिकतम होती है? राइट आंसर बी, तांबे की हानि बराबर लोहे की हानि। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी हानि परिवर्तनशील हानि है? राइट आंसर बी, आयरन लॉस, लोह हानि। नेक्स्ट क्वेश्चन, शॉर्ट सर्किट टेस्ट करने से कौन सी हानि निर्धारित होती है? राइट आंसर डी, कॉपर हानि। नेक्स्ट क्वेश्चन, नो लोड और सभी लोड स्थितियों के लिए कौन सी हानि स्थिर है? राइट आंसर बी, लोह हानि। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसफॉर्मर में बुशिंग का उद्देश्य क्या है? राइट आंसर बी, इनपुट और आउटपुट दोनों टर्मिनलों को जोड़ने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसफॉर्मर बुशिंग टेस्टिंग में किस प्रकार के टेस्ट को DGA टेस्ट के नाम से जाना जाता है? राइट आंसर डी, डिसॉल्व्ड गैस विश्लेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो बाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर पर ऑटो ट्रांसफॉर्मर का क्या लाभ है? राइट आंसर बी, बेहतर वोल्टेज भी नियमन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑटो ट्रांसफॉर्मर का अनुप्रयोग कौन सा है? राइट आंसर ए, सर्वो लाइन सुधारक। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसफॉर्मर के समानांतर संचालन का उद्देश्य क्या है? राइट आंसर डी, शक्ति की अधिक विश्वसनीयता प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर को समानांतर में जोड़ने से पहले कौन सी शर्त पूरी करनी होती है? राइट आंसर सी, पोलरिटी मस्ट बी सेम, ध्रुवीयता समान होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्कॉट कनेक्शन का अनुप्रयोग कौन सा है? राइट आंसर ए, तीन चरण को दो चरण में बदलना। नेक्स्ट क्वेश्चन, 100 KVA तक के वितरण ट्रांसफॉर्मर के लिए किस प्रकार की कूलिंग का प्रयोग किया जाता है? राइट आंसर ए, प्राकृतिक वायु विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन,
ट्रांसफार्मर को ठंडा करने का उद्देश्य क्या है? राइट आंसर बी, वाइंडिंग को नुकसान से बचाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसफार्मर की सतह पर हवा को उड़ाने के लिए पंखे को ठंडा करने की कौन सी विधि का उपयोग किया जाता है? राइट आंसर बी, वायु विस्फोट विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसफार्मर के तेल के खराब होने का क्या कारण है? राइट आंसर डी, वायुमंडल के कारण वायु तेल के संपर्क में आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, परंपरागत विद्युत उत्पादन कौन सा है? राइट आंसर ए, थर्मल। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्मल पावर स्टेशन में ऊष्मा ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए किस ईंधन का उपयोग किया जाता है? राइट आंसर ए, कोयला। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट के एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? राइट आंसर बी, वाल्व हाउस। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स के रूप में चिन्हित भाग का क्या नाम है? राइट आंसर ए, नोजल। नेक्स्ट क्वेश्चन, पावर स्टेशन का क्या नाम है? राइट आंसर ए, हाइड्रो पावर स्टेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीजल पावर प्लांट में बिजली बढ़ाने के लिए इंजन को आपूर्ति की जाने वाली हवा के दबाव को बढ़ाने वाले हिस्से का क्या नाम है? राइट आंसर डी, सुपर चार्जर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा उपकरण थर्मल पावर स्टेशन में भाप के तापमान को और बढ़ा देता है? राइट आंसर बी, सुपर हीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में PWR का पूर्ण रूप क्या है? राइट आंसर ए, प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, परमाणु रिएक्टर में मॉडरेटर बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? राइट आंसर ए, ग्रेफाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य की ऊष्मा ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कैसे परिवर्तित किया जाता है? राइट आंसर ए, सौर सेल द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन रोटर रोटेशन को उच्च गति में परिवर्तित करता है और पवन ऊर्जा उत्पादन में विद्युत जनरेटर को घुमाता है? राइट आंसर सी, गियर बॉक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन की वोल्टेज रेंज कौन सी है? राइट आंसर डी, 415 वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसी पावर ट्रांसमिशन के लिए किस प्रकार के ट्रांसमिशन को अपनाया जाता है? राइट आंसर सी, थ्री फेज थ्री वायर सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपशीर्ष लाइनों में प्रयुक्त होने वाले चालक का क्या नाम है? राइट आंसर ए, ACSR। नेक्स्ट क्वेश्चन, OH लाइन ओवरहेड लाइन सपोर्ट का महत्वपूर्ण गुण कौन सा है? राइट आंसर ए, उच्च यांत्रिक शक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टील टावर की अवधि लंबाई कितनी है? राइट आंसर डी, 100 से 300 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टे इंसुलेटर किस ऊंचाई पर लगाए जाने चाहिए? राइट आंसर डी, जमीन से 3 मीटर से कम नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंसुलेटर का नाम क्या है? राइट आंसर सी, सैकले इंसुलेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंसुलेटर का नाम क्या है? राइट आंसर बी, स्टे इंसुलेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, OHLT ऊर्ध्वाधर विन्यास में लाइव कंडक्टरों के बीच की निकासी कौन सी है? राइट आंसर ए, 20 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
OH लाइनों में बाइंडेड एल्युमिनियम के जोड़ों में ग्रीस लगाने का क्या उद्देश्य है? राइट आंसर ए, स्पार्किंग से बचें। नेक्स्ट क्वेश्चन, LT ऊर्ध्वाधर विन्यास में अर्थ और लाइव कंडक्टर के बीच न्यूनतम निकासी क्या है? राइट आंसर डी, 30 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, तांबे की तुलना में एल्युमिनियम की चालकता कौन सी है? राइट आंसर डी, 60%। नेक्स्ट क्वेश्चन, जमीन से लगाए जाने वाले बस बार असेंबली की ऊंचाई कितनी है? राइट आंसर डी, 2.75 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बस बार के लिए प्रयुक्त सामग्री का क्या नाम है? राइट आंसर डी, एल्युमिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, गैर परंपरागत विद्युत उत्पादन कौन सा है? राइट आंसर ए, हवा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल विद्युत संयंत्र के निर्माण के लिए उपयुक्त स्थान कौन सा है? राइट आंसर ए, पहाड़ी क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रो पावर प्लांट का मुख्य नुकसान कौन सा है? राइट आंसर ए, उच्च पूंजी लागत। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्मल प्लांट की तुलना में डीजल पावर प्लांट का क्या लाभ है? राइट आंसर ए, अधिक कुशल। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्मल पावर प्लांट में ग्रिप गैसों से गर्मी प्राप्त करके कौन सा उपकरण बॉयलर के रास्ते में पानी को गर्म करता है? राइट आंसर बी, इकोनोमाइजर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्वारीय ऊर्जा संयंत्र में कौन सा भाग स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में परिवर्तित करता है? राइट आंसर सी, टरबाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, AC इलेक्ट्रिक पावर प्लांट का नुकसान क्या है? राइट आंसर ए, स्किन इफेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, DC विद्युत शक्ति संचरण का क्या लाभ है? राइट आंसर ए, केवल 2 कंडक्टर की आवश्यकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राइमरी ट्रांसमिशन में लोड सेंटर को ट्रांसमिट की जाने वाली वोल्टेज रेंज कौन सी है? राइट आंसर डी, 132 किलोवोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंडरी ट्रांसमिशन सिस्टम में ट्रांसमिट की जाने वाली वोल्टेज रेंज कौन सी है? राइट आंसर डी, 66 किलोवोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, OH लाइनों के लिए प्रयुक्त सामग्री के संचालन का गुण क्या है? राइट आंसर ए, उच्च तन्यता ताकत। नेक्स्ट क्वेश्चन, 66 kV वर्किंग वोल्टेज के लिए सीरीज में सस्पेंशन इंसुलेटर के कितने डिस्क जोड़े जाने हैं? राइट आंसर डी, 6। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोने के खंभों को समाप्त करने के लिए किस इंसुलेटर का प्रयोग किया जाता है? राइट आंसर बी, सैकले इंसुलेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, OH लाइनों में इंसुलेटर को बांधने के लिए उपयोग किए जाने वाले बाध्यकारी तारों का आकार कौन सा है? राइट आंसर सी, 2 वर्ग मिलीमीटर से कम नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंडक्टरों के OH क्षैतिज विन्यास में एक समर्थन के दोनों ओर लाइव तारों के बीच न्यूनतम निकासी कौन सी है? राइट आंसर डी, 45 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, घरेलू प्रकाश और उपकरणों के लिए किस वितरण प्रणाली का उपयोग किया जाता है? राइट आंसर ए, सिंगल फेज 2-वायर सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपस में जुड़ी वितरण प्रणाली क्या है? राइट आंसर डी, वितरक को 2 से अधिक स्थानों से आपूर्ति मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्विस मैन क्या है?
राइट आंसर ए, वितरक से उपभोक्ता के मीटर तक आपूर्ति ले जाने वाली केवल। नेक्स्ट क्वेश्चन, फीडर क्या है? राइट आंसर ए, जनरेटिंग स्टेशन से वितरकों तक आपूर्ति ले जाने वाली लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, वितरक क्या है? राइट आंसर सी, सर्विसमैन को आपूर्ति प्रदान करने वाले कंडक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टील टावरों का प्रयोग कहाँ किया जाता है? राइट आंसर ए, ट्रांसमिशन लाइनों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, लंबी दूरी के संचरण के लिए उच्च वोल्टेज ले जाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? राइट आंसर ए, फीडर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओवरहेड लाइन में किस कंडक्टर का प्रयोग किया जाता है? राइट आंसर सी, ACSR कंडक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वितरण प्रणाली क्या है? राइट आंसर ए, सब स्टेशन से उपभोक्ता को आपूर्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन, फीडर का आकार कैसे तय किया जाता है? राइट आंसर बी, लाइन की धारा के आधार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूमिगत वितरण प्रणाली को कहाँ प्राथमिकता दी जाती है? राइट आंसर सी, अत्यधिक आबादी वाले क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूमिगत वितरण प्रणाली का क्या लाभ है? राइट आंसर डी, अच्छी उपस्थिति। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओवरहेड लाइन का कौन सा भाग है? राइट आंसर बी, स्टे वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइन प्रोटेक्टिंग डिवाइस कौन सी है? राइट आंसर डी, सर्किट ब्रेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रकार के आइसोलेटर में चार भुजाएं होती हैं और भुजा के अंत में सिल्वर प्लेटेड कॉपर कॉन्टैक्ट्स लगे होते हैं? राइट आंसर सी, पेंटोग्राफ आइसोलेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंगल फेजिंग रिले के साथ कौन सी मोटर फिट की जाती है? राइट आंसर डी, थ्री फेज मोटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, टर्बो जनरेटर को आंतरिक खराबी से बचाने के लिए प्रयुक्त रिले का नाम क्या है? राइट आंसर डी, डिफरेंशियल रिले। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवासीय क्षेत्र में किस प्रकार के वितरण का प्रयोग किया जाता है? राइट आंसर डी, थ्री फेज फोर वायर सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी वितरण प्रणाली दो से अधिक जनरेटिंग स्टेशनों से सक्रिय होती है? राइट आंसर सी, इंटरकनेक्टेड सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी आपूर्ति तीन फेज के साथ साथ सिंगल फेज लोड के लिए आपूर्ति प्रदान कर सकती है? राइट आंसर डी, थ्री फेज फोर वायर सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्किट ब्रेकर कौन सा है? राइट आंसर सी, कंट्रोलिंग डिवाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, BCB का पूर्ण रूप कौन सा है? राइट आंसर सी, वैक्यूम सर्किट ब्रेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी कंडीशन में सर्किट ब्रेकर संचालित होता है? राइट आंसर बी, उच्च करंट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैक्यूम सर्किट ब्रेकर के बाहरी बॉडी को इंसुलेट करने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? राइट आंसर ए, ग्लास या सिरेमिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रामीण क्षेत्र में किस सर्किट ब्रेकर का प्रयोग किया जाता है? राइट आंसर सी, वैक्यूम सर्किट ब्रेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैपेसिटर बैंक स्विचिंग के लिए कौन सा सर्किट ब्रेकर सबसे उपयुक्त है? राइट आंसर ए, वैक्यूम सर्किट ब्रेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
सर्किट ब्रेकर का कौन सा भाग सर्किट को ब्रेक करने में सहायक होता है? राइट आंसर ए ट्रिप क्वाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए सी बी का पूर्ण रूप क्या है? राइट आंसर डी एयर सर्किट ब्रेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एयर सर्किट ब्रेकर में आर्क क्वेंचिंग का माध्यम क्या है? राइट आंसर डी एयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्किट ब्रेकर आर्क का मूल्यांकन कैसे किया जाता है? राइट आंसर डी एमबीए में। नेक्स्ट क्वेश्चन, करंट ट्रांसफार्मर किस प्रकार के ट्रांसफार्मर के अंतर्गत आता है? राइट आंसर डी उपकरण ट्रांसफार्मर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीटी पोटेंशियल ट्रांसफार्मर का सेकेंडरी वोल्टेज क्या है? राइट आंसर डी 110 वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीटी करंट ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी को किस धारा के रूप में डिज़ाइन किया गया है? राइट आंसर डी 5 एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीटी से जुड़े एमीटर को डिस्कनेक्ट करने से पहले क्या कार्रवाई की आवश्यकता है? राइट आंसर बी सीटी के सेकेंडरी को शॉर्ट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, एचटी लाइन में लाइटिंग अरेस्टर का क्या उपयोग होता है? राइट आंसर ए ट्रांसफार्मर को उछाल से बचाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओवरहेड लाइन में बिजली से सुरक्षा के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरण का नाम क्या है? राइट आंसर सी लाइटिंग अरेस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइटनिंग अरेस्टर का क्या कार्य है? राइट आंसर डी बिजली के कारण अधिक वोल्टेज से सुरक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्किट ब्रेकर में कौन सी गैस इंसुलेटर के रूप में प्रयोग की जाती है? राइट आंसर डी SF6। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस सर्किट ब्रेकर की वोल्टेज रेंज सबसे कम होती है? राइट आंसर ए एयर ब्रेक सर्किट ब्रेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्किट ब्रेकर का उद्देश्य क्या है? राइट आंसर बी संरक्षण और नियंत्रण। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑयल सर्किट ब्रेकर का कौन सा भाग है? राइट आंसर डी मूविंग कॉन्टैक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑयल सर्किट ब्रेकर में तेल का मुख्य उद्देश्य क्या है? राइट आंसर बी समन आर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, SF6 सर्किट ब्रेकर का पूरा नाम क्या है? राइट आंसर बी सल्फर हेक्सा फ्लोराइड सर्किट ब्रेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक तेल सर्किट ब्रेकर में चाप समन का माध्यम क्या है? राइट आंसर ए तेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, एल्युमिनियम का उपयोग बस बार सामग्री के रूप में क्यों किया जाता है? राइट आंसर बी कम लागत। नेक्स्ट क्वेश्चन, सब स्टेशन स्विच में कॉन्टैक्ट के रूप में किस धातु का उपयोग किया जाता है? राइट आंसर सी चांदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडोर सब स्टेशन क्या है? राइट आंसर बी भवन के अंदर निर्मित सब स्टेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडोर सब स्टेशन में बस बार बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? राइट आंसर बी स्टील। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडोर सब स्टेशन का उद्देश्य क्या है? राइट आंसर बी वोल्टेज को कम करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, आउटडोर सब स्टेशन कितने प्रकार के होते हैं? राइट आंसर बी दो प्रकार के। नेक्स्ट क्वेश्चन, बस बार का मूल्यांकन कैसे किया जाता है? राइट आंसर बी
करंट और वोल्टेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, सब स्टेशनों में पत्थर क्यों दिए जाते हैं? राइट आंसर ए, पौधों के बढ़ने और इंसुलेशन से बचने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, आउटडोर सब स्टेशन कितने प्रकार के होते हैं? राइट आंसर बी, दो प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आउटडोर सब स्टेशन का क्या कार्य है? राइट आंसर सी, उच्च वोल्टेज आपूर्ति को कम वोल्टेज आपूर्ति में बदले। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा सर्किट ब्रेकर अतिरिक्त हाई टेंशन लाइन के लिए पर्याप्त है? राइट आंसर बी, SF6 सर्किट ब्रेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोल माउंटेड आउटडोर सब स्टेशन में कितने पोल लगे हैं? राइट आंसर सी, दो। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोल माउंटेड सब स्टेशन का उपयोग किस प्रणाली में किया जाता है? राइट आंसर बी, माध्यमिक वितरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपूर्ति आवृत्ति को बदलने के लिए उपयोग किए जाने वाले सब स्टेशन का नाम क्या है? राइट आंसर ए, कन्वर्टिंग सब स्टेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूमिगत केबल की बाहरी परत कौन सी है? राइट आंसर सी, सर्विंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूमिगत केबल में धात्विक शीथिंग के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? राइट आंसर डी, लेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूमिगत केबल के आर्म रिंग के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? राइट आंसर ए, जस्ती इस्पात। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडरग्राउंड केबल के लिए किस कंडक्टर सामग्री का उपयोग किया जाता है? राइट आंसर बी, एल्युमिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडरग्राउंड केबल में आर्म रिंग का क्या कार्य है? राइट आंसर ए, केबल को यांत्रिक चोट से बचाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूमिगत केबल में फंसे हुए कंडक्टरों का उपयोग क्यों किया जाता है? राइट आंसर ए, लचीलापन प्रदान करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडरग्राउंड केबल में प्रयुक्त इंसुलेटिंग मटेरियल का गुण क्या है? राइट आंसर बी, उच्च इंसुलेशन प्रतिरोध। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रकार के इंसुलेशन को एम्पायर टेप के नाम से भी जाना जाता है? राइट आंसर बी, वार्निश कैम्ब्रिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडरग्राउंड केबल में प्रयुक्त रबर इंसुलेशन की क्या कमी है? राइट आंसर ए, नमी को अवशोषित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वल्केनाइज्ड भारतीय रबड़ का क्या लाभ है? राइट आंसर सी, अधिक से अधिक यांत्रिक शक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुपर टेंशन केबलों की वोल्टेज रेटिंग क्या है? राइट आंसर सी, 22 केवी से 33 केवी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अतिरिक्त सुपर वोल्टेज केबलों की वोल्टेज रेटिंग क्या है? राइट आंसर ए, 132 केवी से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडरग्राउंड केबल का उनके इंसुलेशन सिस्टम के अनुसार वर्गीकरण कौन सा है? राइट आंसर बी, XLPE केबल। नेक्स्ट क्वेश्चन, MI केबल का पूर्ण रूप क्या है? राइट आंसर बी, मिनरल इंसुलेटेड केबल। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडरग्राउंड केबल के 3.5 कोर में कितने कोर होते हैं? राइट आंसर बी, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि ऑपरेटिंग वोल्टेज 66 केवी से अधिक है तो किस प्रकार की केबल का उपयोग किया जाता है? राइट आंसर डी, प्रेशर केबल, दबाव केबल। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेशर केबल किस प्रकार के होते हैं? राइट आंसर ए, तेल भरा
और गैस दबाव केवल। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिछाने की कौन सी विधि में जमीन में खाई खोदना और बालू के बिस्तर पर केवल बिछाना शामिल है? राइट आंसर बी, सीधे जमीन में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इमारतों और औद्योगिक संयंत्रों के अंदर केवल बिछाने की कौन सी विधि का उपयोग किया जाता है? राइट आंसर सी, हवा में रेंक पर रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, केवल बिछाने की विधि का क्या नाम है? राइट आंसर ए, नलिकाओं में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूमिगत केवल को सीधे बिछाने से क्या लाभ है? राइट आंसर ए, सरल और कम खर्चीला। नेक्स्ट क्वेश्चन, केवल बिछाने की कौन सी विधि में केवल को रेत या ईंटों की परत द्वारा संरक्षित किया जाता है? राइट आंसर बी, सीधे मैदान में केवल बिछाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, PILC का पूर्ण रूप क्या है? राइट आंसर बी, पेपर इंसुलेटेड लेड सीथेड केवल। नेक्स्ट क्वेश्चन, UG केवल जॉइंट का नाम क्या है? राइट आंसर बी, बिल्कुल सीधा स्लीब जोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन, UG केवल स्ट्रेट स्लीव जॉइंट का अधिकतम वोल्टेज ग्रेड कितना बनाया जा सकता है? राइट आंसर सी, 11 kV तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, थ्री फोरकेटिंग एंड कनेक्शन का क्या उपयोग है? राइट आंसर ए, UG केवल को AB स्विच आदि से जोड़ने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हॉट ड्रिंक केवल जॉइंट के लिए प्रयुक्त बिटुमिन्स कंपाउंड का गुण क्या है? राइट आंसर सी, नमी के लिए उच्च प्रतिरोध। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडरग्राउंड केवल में कौन सा सामान्य दोष होने की संभावना है? राइट आंसर बी, ग्राउंड फॉल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, UG केवल में ग्राउंड और शॉर्ट सर्किट फॉल्ट का पता लगाने के लिए किस टेस्ट का उपयोग किया जाता है? राइट आंसर सी, लूप टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि दो कंडक्टरों के बीच इंसुलेशन दोषपूर्ण है तो किस प्रकार का केवल दोष होगा? राइट आंसर सी, शॉर्ट सर्किट दोष। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोर से लेड सीथ में करंट के प्रवाह के कारण कौन सा केवल दोष होता है? राइट आंसर ए, ग्राउंड दोष। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्टरनेटर को सिंक्रोनाइज करने की क्या आवश्यकता है? राइट आंसर सी, बढ़ी हुई बिजली की मांग को पूरा करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो अल्टरनेटरों के समानांतर होने के लिए कौन सी शर्त है? राइट आंसर ए, आवृत्ति समान होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्टरनेटरों के तुल्यकालन के लिए आने वाले अल्टरनेटर के वोल्टेज की स्थिति क्या है? राइट आंसर बी, अल्टरनेटर का आउटपुट वोल्टेज समान होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, डार्क लैंप मेथड में इस्तेमाल होने वाले 3 लैंप कब जलेंगे और एक साथ बुझेंगे? राइट आंसर ए, मशीनों की आवृत्तियां भिन्न होने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डार्क और ब्राइट लैंप विधि का क्या उपयोग है? राइट आंसर सी, अल्टरनेटर के तुल्यकालन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्टरनेटर के समानांतर संचालन के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? राइट आंसर ए, सिंक्रोस्कोप। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्टरनेटर को सिंक्रोनाइज करने के लिए सिंक्रोस्कोप का क्या उद्देश्य है? राइट आंसर डी, सिंक्रोनाइज करने के लिए सटीक समय इंगित करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंक्रोनाइज करने के बाद
दोनों अल्टरनेटरों द्वारा लोड किस आधार पर साझा किया जाता है? राइट आंसर सी, उनकी केवीए रेटिंग के अनुपात के आधार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईई नियम के अनुसार कंट्रोल पैनल पर किस रंग का पाउडर कोटेट किया जाता है? राइट आंसर बी, सीमेंस ग्रे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंट्रोल पैनल में कौन कौन से इलेक्ट्रिकल सामान फिट किए जाने हैं? राइट आंसर डी, स्विचिंग, नियंत्रण, सुरक्षा और मापने वाले उपकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसी में क्रेन, लिफ्ट और होइस्ट लगाने के लिए कॉन्ट्रैक्टर का कौन सा कर्तव्य चक्र उपयोग किया जाता है? राइट आंसर बी, एसी फोर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंट्रोल पैनल के आयामों को डिजाइन करते समय किस कारक पर विचार किया जाना चाहिए? राइट आंसर डी, कैबिनेट दरवाजे के स्विंग क्षेत्र पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंट्रोल पैनल में मोटर के लिए सुरक्षात्मक उपसाधनों का चयन करने से पहले कितने अतिरिक्त भार पर विचार किया जाना चाहिए? राइट आंसर ए, 25%। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्विच का नाम क्या है? राइट आंसर डी, वोल्ट मीटर सेलेक्टर स्विच। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोर्टेबल या मोबाइल उपकरणों के लिए किस प्रकार का स्विच अनुपयुक्त है? राइट आंसर सी, मर्करी स्विच। नेक्स्ट क्वेश्चन, पैनल बोर्ड में उच्च धारा मापने के लिए एमीटर के साथ किसका प्रयोग किया जाता है? राइट आंसर ए, करंट ट्रांसफॉर्मर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मशीन के किसी भाग या अक्ष या वस्तु की गति की दूरी या कोण को नियंत्रित करने के लिए किस स्विच का उपयोग किया जाता है? राइट आंसर बी, लिमिट स्विच। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंट्रोल पैनल में प्रयुक्त एसेसरी का क्या नाम है? राइट आंसर सी, दिष्टकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिना स्क्रू के एमसीबी, कॉन्टैक्टर आदि को माउंट करने के लिए कंट्रोल पैनल में किस एसेसरी का उपयोग किया जाता है? राइट आंसर बी, डीन रेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंट्रोल पैनल वायरिंग में तार फेरूल का क्या उपयोग होता है? राइट आंसर सी, केवल एंड की आसान पहचान। नेक्स्ट क्वेश्चन, नायलॉन केवल टाई में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? राइट आंसर डी, पावल। नेक्स्ट क्वेश्चन, केवलों को इंसुलेट और होल्ड करने के लिए किस एसेसरी का उपयोग किया जाता है? यदि वे कंट्रोल पैनल में छिद्रित या ड्रिल किए गए छेद से गुजरते हैं? राइट आंसर ए, ग्रोमेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि सिस्टम वोल्टेज 415 वोल्ट है तो पैनल बोर्ड में घटकों और रेसवे के बीच न्यूनतम अंतर कौन सा है? राइट आंसर बी, 100 मिलीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंट्रोल पैनल से अर्थ डोर और कैबिनेट में अर्थ वायर के किस रंग का प्रयोग किया जाता है? राइट आंसर डी, हरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पैनल बोर्ड में नियमित रूप से प्राथमिकता के साथ कौन सा परीक्षण किया जाना है? राइट आंसर बी, इंसुलेशन प्रतिरोध और अर्थ निरंतरता। नेक्स्ट क्वेश्चन, नियंत्रण कक्ष के आवधिक रखरखाव का क्या लाभ है? राइट आंसर सी, मशीन और ऑपरेटरों को सुरक्षा सुनिश्चित करे। नेक्स्ट क्वेश्चन, केवल का इंसुलेशन क्षतिग्रस्त होने पर किस प्रकार का दोष होगा? राइट आंसर ए, अर्थ दोष। नेक्स्ट क्वेश्चन,
इंसुलेशन टेस्टर में तीसरे टर्मिनल का उद्देश्य क्या है? राइट आंसर डी, सटीक रीडिंग प्राप्त करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंट्रोल पैनल में ओपन सर्किट दोष का पता लगाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले उपकरण का क्या नाम है? राइट आंसर सी, मेगर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंट्रोल पैनल में पावर और कंट्रोल सर्किट केबल को अलग अलग चलाने की सिफारिश क्यों की जाती है? राइट आंसर बी, बिजली केबल से केबल को नियंत्रित करने के लिए, गर्मी के हस्तांतरण से बचने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, पावर केबल में लाइन टूटने पर दोष का क्या नाम है? राइट आंसर ए, ओपन सर्किट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत इंस्टॉलेशन में फेज से अर्थ टर्मिनल के बीच इंसुलेशन प्रतिरोध का न्यूनतम मान कौन सा है? राइट आंसर डी, 1 मेगा ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत स्थापन में किस प्रकार के दोष में लाइट मंद चमकेगा और मोटर धीमी गति से चलेगी? राइट आंसर सी, उच्च मान श्रृंखला प्रतिरोध दोष। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन में रेसिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर का क्या कार्य है? राइट आंसर डी, अर्थ लीकेज से बचाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन रख रखाव इलेक्ट्रीशियन को ऑपरेशन मैनुअल के अभाव में कंट्रोल पैनल में खराबी को दूर करने में मदद करता है? राइट आंसर ए, समस्या निवारण प्रवाह चार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, NE कोड का फुल फॉर्म कौन सा है? राइट आंसर सी, नेशनल इलेक्ट्रिसिटी कोड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत स्थापना की सामग्री और श्रम लागत की गणना के लिए क्या नाम है? राइट आंसर ए, अनुमान। नेक्स्ट क्वेश्चन, IE नियम के अनुसार पावर सब सर्किट में कितने पावर सॉकेट आउटलेट की अनुमति है? राइट आंसर बी, 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा शब्द न्यूनतम वास्तविक भार और स्थापित भार के बीच का अनुपात परिभाषित करता है? राइट आंसर डी, विविधता कारक। नेक्स्ट क्वेश्चन, घरेलू तारों में IE नियम के अनुसार एक सब सर्किट में अनुशंसित प्रकाश और पंखे बिंदुओं की संख्या कौन सी है? राइट आंसर बी, 10। नेक्स्ट क्वेश्चन, आकस्मिकताओं के रूप में अनुमान लगाने के लिए कुल लागत का कितना प्रतिशत जोड़ा जाता है? राइट आंसर डी, 5%। नेक्स्ट क्वेश्चन, घरेलू वायरिंग में IE नियम के अनुसार लाइटिंग सब सर्किट के लिए अनुशंसित शक्ति कौन सी है? राइट आंसर ए, 800 वाट। नेक्स्ट क्वेश्चन, IE कोड अनुशंसा के अनुसार केबलों के क्षैतिज रन की ऊंचाई क्या है? राइट आंसर ए, 2.5 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, घरेलू तारों की स्थापना में वितरण बोर्ड का स्थान कौन सा है? राइट आंसर सी, लोड सेंटर के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन, IE नियम के अनुसार बॉल सॉकेट के तीसरे टर्मिनल में कनेक्ट होने वाले GI अर्थ कंडक्टर का आकार कौन सा है? राइट आंसर बी, 14 SWG। नेक्स्ट क्वेश्चन, लचीली डोरियों का उपयोग किन कनेक्शनों में किया जाना है? राइट आंसर बी, पेंडेंट लैंप। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत के पंखे की छत और ब्लेड के तल के बीच कौन सी न्यूनतम निकासी रखी जानी चाहिए? राइट आंसर डी, 300 मिलीमीटर।
नेक्स्ट क्वेश्चन, बाहरी प्रकाश व्यवस्था के लिए किस प्रकार की लाइट फिटिंग का उपयोग किया जाना चाहिए? राइट आंसर ए, वाटर प्रूफ लाइटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि उपकरण की रेटिंग 16 एम्पियर से अधिक है तो किस प्रकार के स्विच का उपयोग किया जाता है? राइट आंसर डी, 32 एम्पियर डबल पोल स्विच। नेक्स्ट क्वेश्चन, गहरे बोरवेल से पानी उठाने के लिए किस पंप का उपयोग किया जाता है? राइट आंसर डी, समरसेबल पंप। नेक्स्ट क्वेश्चन, 200 एम्पियर क्षमता से ऊपर फेज बस बार की तुलना में तटस्थ बस बार का क्रॉस सेक्शनल क्षेत्र कौन सा है? राइट आंसर ए, आधा चरण बस बार। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा कारक औद्योगिक तारों के लिए प्रयुक्त तार के आकार को निर्धारित करता है? राइट आंसर डी, लोड करंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रकार की बस बार प्रणाली का चित्रण किया गया है? राइट आंसर सी, 8-बार सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेटल सर्किट वायरिंग में बैंड्स या कपलिंग के केंद्र से तय की जाने वाली सेल्स की दूरी कौन सी है? राइट आंसर सी, 30 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसी 3-फेज सिस्टम के उपकरण के लिए अल्फा नंबरिक रोटेशन कौन सा है? राइट आंसर सी, UVWN। नेक्स्ट क्वेश्चन, उद्योगों में प्रयुक्त होने वाली वितरण प्रणाली का क्या नाम है? राइट आंसर ए, बस बार छत से निलंबित। नेक्स्ट क्वेश्चन, IE नियम के अनुसार कमर्शियल वायरिंग में पावर वायरिंग के लिए उपयोग किए जाने वाले कॉपर कंडक्टर का न्यूनतम आकार कौन सा है? राइट आंसर डी, 2.5 मिलीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स के रूप में चिन्हित स्थिति का नाम कौन सा है? राइट आंसर डी, डाउन ड्रॉप। नेक्स्ट क्वेश्चन, CPWD द्वारा निर्धारित सरकारी प्रतिष्ठानों में उपयोग किए जाने वाले PVC पाइप का न्यूनतम आकार कौन सा है? राइट आंसर सी, 19 मिलीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी भी प्रकार की वायरिंग स्थापना के लिए आवश्यक सामग्री का आकलन करने की तैयारी के दौरान पहला कदम क्या उठाया जाता है? राइट आंसर ए, लेआउट लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेन फेल होने की स्थिति में स्टैंड बाई जनरेटर सेट से कौन सा लोड जोड़ा जाना है? राइट आंसर सी, फायर लिफ्ट और पानी पंप। नेक्स्ट क्वेश्चन, IE नियम के अनुसार वाणिज्यिक तारों में फर्श स्तर से स्थापित किए जाने वाले ऊर्जा मीटर की अनुशंसित ऊंचाई कौन सी है? राइट आंसर ए, 1 मीटर से कम नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कमर्शियल वायरिंग में कंडक्टर, प्रोटेक्टिव डिवाइस और स्विच गियर के चयन से पहले किस पर विचार किया जाना चाहिए? राइट आंसर ए, विविधता कारक। नेक्स्ट क्वेश्चन, घरेलू तारों की स्थापना में मुख्य स्विच का स्थान कहाँ है? राइट आंसर बी, सर्विस लाइन की समाप्ति के निकट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्विस कनेक्शन और बाहरी अनुप्रयोगों के लिए किस केबल का चयन किया जाता है? राइट आंसर ए, PVC इंसुलेट, PVC सीथेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुमंजिला भवन में किस प्रकार की वायरिंग प्रणाली का प्रयोग किया जाता है? राइट आंसर ए, ट्री प्रणाली।
नेक्स्ट क्वेश्चन, राइजिंग मेन के वर्टिकल रन के साथ साथ अर्थ लीड की संख्या कौन सी प्रदान की जाएगी? राइट आंसर बी 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, वितरण प्रणाली का क्या नाम है? राइट आंसर सी राइजिंग मुख्य प्रणाली। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईई नियम के अनुसार सब सर्किट में अनुमेय पावर लोड कौन सा है? राइट आंसर डी 3000 वाट। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीन फेज सर्किट में वोल्टेज ड्रॉप की गणना करने का सूत्र क्या है? यदि I बराबर लाइन करंट, R बराबर एक कोर का प्रतिरोध हो। राइट आंसर ए रोड 3IR। नेक्स्ट क्वेश्चन, IE नियम के अनुसार उच्च और अतिरिक्त उच्च वोल्टेज पर उपभोक्ता के बिंदु पर अनुमेय वोल्टेज ड्रॉप कौन सा है? राइट आंसर डी 12.50%। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईई नियम के अनुसार फर्श स्तर से तय किए जाने वाले वितरण बोर्ड की ऊंचाई कौन सी है? राइट आंसर सी 2 मीटर से कम नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्कशॉप वायरिंग में किस प्रकार के वितरण का उपयोग किया जाता है? राइट आंसर बी बस चैम्बर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईई नियम के अनुसार 32 मिलीमीटर तक कंड्यूट के आकार के लिए मेटल कंड्यूट पाइप की मोटाई कौन सी है? राइट आंसर डी 16 SWG। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन बायरमैन और उपभोक्ता दोनों को व्यावसायिक अभ्यास, लागत और आवश्यकता के अनुसार सामग्री का चयन करने में मदद करता है? राइट आंसर बी सामग्री की विशिष्टता। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्कशॉप में बिजली वितरण के लिए बस बार सिस्टम का उपयोग करने का क्या कारण है? राइट आंसर सी आसान जोड़ और परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन, तारों की किस विधि में तार या केबल की कम मात्रा की खपत होती है? राइट आंसर ए संयुक्त बॉक्स विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, BIS चिन्ह किस सहायक उपकरण का प्रतिनिधित्व करता है? राइट आंसर डी सॉकेट आउटलेट 16 एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, IE नियम के अनुसार स्विच के माध्यम से किस तार को जोड़ा जाना है? राइट आंसर ए फेज लाइन। दोस्तों, वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। सो आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।